गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर योर मैथ टीचर. वेलकम बैक टू डे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 7D होस 10th क्वेश्चन वी हैव. फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ देखिए थोड़ा सा इस पर आते हैं. देखो थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कॉन्जुगेट को लेकर कर लेते हैं. कॉन्जुगेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू अगर ए प्लस आई बी होता है तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट होता है जेड आर इक्वल्स टू ए माइनस आई बी. मीन्स ये जो पॉजिटिव है ये कन्वर्ट होकर नेगेटिव में हो जाएगा. मीन्स जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट वन वहाँ से उसका कॉन्जुगेट हम फाइंड करने वाले हैं. क्लियर? चलिए अब देखते हैं जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को. क्या क्वेश्चंस हैं हमारे? वन मिनट सर. यस क्वेश्चन 10th. हूज फर्स्ट क्वेश्चन? उस फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सपोज जेड इक्वल्स टू 1/1 + i. ये कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो फर्स्ट वन हम जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मींस 1 + 1 + i इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करते हैं तो 1 - i / 1 - i देन 1 जेड से मल्टीस है, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 - i हो जाएगा. डिनोमिनेटर क्या है? a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. देन 1 जेड इक्वल्स टू 1 - i / 1 स्क्वेयर माइनस i स्क्वेयर इक्वल्स टू होता है -1. देखिए आई स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू होता है -1. जेड इक्वल्स टू 1 - i / 1 - 1 × 1 तो जेड इक्वल्स टू 1 - i / 2 हो जाएगा और जेड इक्वल्स टू 1/2 - 1/2 i. क्लियर? ये हमारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आया है और इसका अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो वी नो दैट जेड उस कॉन्जुगेट जेड बार इक्वल्स टू होगा 1/2 माइनस कन्वर्ट होगा प्लस 1/2. ये हमारा आंसर. क्लियर? मींस कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा. यू क्या करना है तो कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट में हमारा अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अरेंज कर ले और दैट वन वो क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा. और एक सिंपल सा क्वेश्चन और जैसे ठीक है. सॉरी ये ए था नॉट अ आई. सॉरी ये ए है भाई, है ना, नॉट अ आई. लाइक दैट वी हैव क्वेश्चन डी. सपोज करना है जो जेड इक्वल्स टू है आई अंडर रूट -4 + 2i, 7i. इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम देखें जेड इक्वल्स टू सेम इट इज आई अंडर रूट 4 × √-1. वी कैन राइट 4 × 1 और +7i जेड इक्वल्स टू आई. 4 जो होगा ये हो जाएगा 2 और ये -i अंडर रूट -1 = i होता है ना, +7i.
देन वन क्या होगा, जेड इक्वल टू टू आई स्क्वायर प्लस सेवन आई। वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। भाई आई स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस वन होता है, वैल्यू पुट कर दें तो जेड इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस सेवन आई। क्लियर? तो देखिए यहाँ से माइनस टू प्लस सेवन आई है ना, और ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है? जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। क्या किया उन्होंने, कंफ्यूज किया था माइनस फोर, तो माइनस फोर वी कैन राइट अंडर रूट फोर इंटू माइनस वन। माइनस फोर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू, और अंडर रूट माइनस वन मीन्स आई टू आई स्क्वायर आई। वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। सेवन आई सेम आई टी चल रहा है तो माइनस टू प्लस सेवन आई है। अब उस कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को जो है कॉन्जुगेट जो होता है वो जेड बार होता है, तो माइनस टू तो सेम आई टी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्जू। क्लियर हो रहा है? चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। दैट वन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।